गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद द न्यू वीडियो एंड टुडे इज कुकुर तिहार द थर्ड डे ऑफ तिहार एंड कुछ लोग आज दिवाली भी मना रहे। आज भी दिवाली है, कल भी दिवाली है, आधे आधे दिन। तो अब जो मेन मुद्दा है जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन अमावस्या हो उस दिन दिवाली मनाई जाती है। तो अमावस्या तो कल है 1 तारीख को, तो फिर भी आज दिन को 3 बजे के बाद आई थिंक है दिवाली, कल शाम लगभग 7 बजे तक है, तो मनाइए दिवाली, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिख रहे मेरे बाल सेट है, एकदम सेट। इसको एक दिन धो, दूसरे दिन ना धो, सेट हो जाते बाल है सेट के। ड्राई मारो ना पहले दिन, दूसरे दिन कल सेट हो जाते बाल, ऐसे बाल हर बार सेट हो जाए। बाकी कल शाम को मधुमक्खी के घर को छेड़ दिया था, मम्मी ने शहद निकाला था, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को भी इंजेक्शन लगा कल शाम को, और ज़्यादा मोटा था। अभी तो ठीक हो ही है ना, मतलब घमासान युद्ध हो चुका था। मम्मी को तो 2-3 ने खाया, मेरे को 1 ने खाया, फिर भी इतना मोटा हो गया हूँ। तो आज कुकुर तिहार और दिवाली के साथ साथ नरक चतुर्दशी भी है, जिसकी कहानी आपको ये गूगल सुनाएगा। According to the Economic Times, Narak Chaturdashi 2024, the story according to Hindu scriptures, Narkasur, a demon, terrorized people on earth and held 16,000 girls captive. Unable to endure his torment, the girls prayed to Lord Krishna for help. Lord Krishna, with his wife Satyabhama, rescued them by defeating Narkasur. तो कुछ इस तरह की कहानी है। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को एंड कल के लिए भी। और पटाखे फटूखे फट रहे, कल रात से ही फट रहे। बी बॉक्स यहाँ पे था जो कि अब ये कच्चा हो गया, इसको उखाड़ना है, तो मैंने थोड़ा नीचे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे नाच रही है बेचारी। और शाम को और शिफ्ट होगा तो और दिक्कत हो। इन सब का पाप तो लगने वाला है मेरे को, फिर भी इनके घर को तो बचाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो एक कदम उठाना पड़ेगा मेरे को। तो दोस्तों प्लान में थोड़े से बदलाव, और अब मैं जा रहा हूँ देखा, हल्की फुल्की जलगियाँ दिखाएंगे बाजार की। वापस आ चुके बाजार से, हल्की फुल्की जलगियाँ आप लोगों को दिखा दी। वैसे दशहरे से काफ़ी भीड़ थी आज, लगभग 1500 का चूना लग चुका है। दिवाली तो बाकी, मैं तो अब मनाऊंगा, अपना टाइम तो अब शुरू हुआ कल तक। तो हैप्पी दिवाली अगेन, सेफ तरीके से मनाइए, अच्छी तरीके से मनाइए। जय, बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।